जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख और सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ करके। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। दिन रात निरंतर भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भगवान के भजन का अभ्यास करें। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर भगवान का नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी निकालें। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु आज समस्त दिन आपकी अनुकूलता में ही बीते। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं सही, कम से कम 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ जाए तो सब पाप जल जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान एवं कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। कलयुग में और सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है, वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। परम कल्याण हो जाता है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं। प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे तो सदा परम सुख और परम आनंद ही सर्वत्र दिखेगा। पर उनको एवं उनकी लीला को न देखकर बदलते हुए दृश्य को ही केवल देखोगे तो फिर यह संसार तुम्हारे लिए दुखालय है। तुम्हें विनाश ही विनाश, दुख ही दुख दिखेगा, दुख ही दुख दिखेगा। जय श्री राधे।